दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, कल राउंड 12 का आईआईटी बम्बई में इवेंट था जिसमें राउंड 12 के सभी टीम मेंबर गए थे, नाजिम वसीम, लेकिन ऐसे में वहां पर जाहिर सैफी मिसिंग थे। तो दोस्तों ऐसे में जाहिर सैफी के फैंस और राउंड 12 के फैंस यह जानना चाहते हैं कि जाहिर सैफी इवेंट में क्यों नहीं गए। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में इवेंट का छोटा सा क्लिप वीडियो आपको दिखाया ही था जिसमें नाजिम से राउंड 12 के फैंस क्वेश्चन करते हुए नजर आ रहे हैं, वहां पर जाहिर सैफी मिसिंग है। तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों जाहिर सैफी इवेंट में क्यों नहीं गए विस्तार से बताने वाला हूं। एंड उससे पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, गाइस आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज अगर आपके एक सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाता तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए बिना देरी करते हो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों राउंड 12 के मेंबर जाहिर सैफी इवेंट में आखिर गए क्यों नहीं? तो दोस्तों जानने का नहीं रीजन एक नहीं बल्कि दो नहीं बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, क्योंकि पहला रीजन तो यह है कि आखिर उनका तबीयत खराब हो, या फिर दूसरा रीजन यह है कि आखिर उनको कोई पर्सनली काम आ गया होगा। लेकिन ऐसे में एक और बात निकल के आ रही है, आज तक जितना भी राउंड 12 का इवेंट हुआ है वहां पर राउंड 12 के तीनों मेंबर हमें इवेंट में देखने को मिला है, लेकिन यह पहला इवेंट होगा जिसमें राउंड 12 के तीनों मेंबर हमें इवेंट में देखने को नहीं मिलेगा। तो आई होप आपको पूरी बात समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ऐसे में हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि जाहिर सैफी इवेंट में गए हैं या नहीं गए, क्योंकि दोस्तों सिर्फ छोटा सा क्लिप वीडियो जो कि राउंड 12 ने खुद अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर लगाया था, वही स्टोरी अपने पुराने वीडियो में मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। लेकिन ऐसे में पूरा इवेंट का वीडियो क्लिप आएगा तभी यह कंफर्म होगा कि जाहिर सैफी इवेंट में गए हैं या नहीं गए हैं। तो आई होप आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।